अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो विलेज का व्लॉग नंबर 2 है ये। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और टाइम तकरीबन हो चुका था शाम का, और अभी हम लोग जा रहे हैं डेरे पे। डेरे पे जाने की वजह ये थी कि हमें साग चाहिए था, और मैंने सोचा था कि मैं वीडियो भी बनाऊँगी आप लोगों के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साग मिला नहीं, लेकिन डेरे पे लगा हुआ था, मतलब खेतों में आप लोग कह रहे हो उनका डेरा ही बना हुआ है। मूलियाँ, शलजम, पालक, उसके बाद चुकंदर, बैंगन। तो यहाँ पे अभी मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा उतार रही हूँ, और इतनी कुछ सख्त मूलियाँ थी, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने के बावजूद भी मेरे से नहीं उतारी जा रही थी। तो ये मैंने उतार ली, फिर मैंने सोचा कि मैंने क्या करना है, आप लोगों को दिखा दिया है। दोबारा मैंने इसे मिट्टी में खोद के इसे मैंने सेट कर दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये भी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि एक किस्म का, मतलब पहली दफ़ा लाइफ में आई वॉज ट्राइंग के नेचुरल चीज़ को खुद उतारना। तो ये भी मैंने दोबारा इसे भी खोद दिया कि मैंने क्या करना है, बस थोड़ी सी वीडियो बनाई है, उसके बाद मैंने इसे खोद दिया था वापस ताकि ये ग्रो हो ले। और यहाँ पे बैंगन लगे हुए हैं, बैंगन ऑलमोस्ट उतार चुके थे ये लोग, ये भी ख़त्म ही हुए हुए थे, बस थोड़े से थे, और जो रह चुके थे वो मतलब ख़राब हुए हुए थे, जिस तरह खाए हुए होते हैं बैंगन, तो वैसे वाले थे। और यहाँ पे जो अंकल है इनका डेरा है, और ये यहाँ पे अपने मवेशियों को खाना दे रहे थे। तो ये मवेशी, इसे भी पता चल गया कि YouTube पे वीडियो आनी है, तो इसने अपनी टांग नीचे करके सही तरीके से खाना शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह से ये इनकी बच्चियाँ हैं, बच्चे बच्चियाँ दोनों जेंडर्स हैं। तो ये लोग यहाँ पे चाय बना रहे थे बैठ के बड़े मज़े से, तो लकड़ियाँ जला के, तो बहुत अच्छी चीज़ लग रही थी इनके चेहरे पे, माशाल्लाह मासूमियत भी। और ये लोग पठान हैं बेसिकली, तो इसीलिए माशाल्लाह से इतने प्यारे प्यारे हैं। तो मैं इनसे बात कर रही थी लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने आवाज़ जो है वो ऑफ़ कर दी है। और ये ट्यूबवेल है, और इनका जो ट्यूबवेल था उसका पानी थोड़ा गंदा था, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। तो इनके घर की वीडियो भी मैंने बनाई है अंदर से। बेसिकली मैंने आपको आगे भी बताया कि ये पठान लोग हैं, और जैसे इनका घर प्यारा है माशाल्लाह से, वैसे ही इनका मतलब मिलने का तरीका, इनका बिहेवियर, प्यार और मोहब्बत इनमें बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। हम लोग इनके घर में गए थे, और सारी की सारी जितनी भी आपस में जिठानियाँ थी, देवरानियाँ, बहनें वगैरह, सब कुछ ये आपस में इतनी प्यार से रहती हैं, और हमारे साथ भी इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बिहेव किया। तो आप लोगों को अगर इनका घर अच्छा लगे, इनका रहने का तरीका अच्छा लगे, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आया है। यहाँ पे इन्होंने अपने बर्तन जो हैं ऊपर शेल्फ एक किस्म की बनी हुई है वहाँ पे सेटअप लगाया हुआ था, और ये इनका छोटा सा किचन है, और किचन के साथ ही बिल्कुल स्टोर रूम सा बना हुआ है, और किचन जो है इनका मिट्टी का बना हुआ है। तो ये बता रही थी कि इनकी दादू ने बनाया ये किचन मिट्टी का, प्रॉपर मिट्टी का है। और ये स्टोर रूम है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, और यहाँ पे लाइट नहीं थी जब हम लोग गए थे। तो ये मवेशी के जो पट्ठे जिन्हें कहते हैं वो ये बच्चा बना रहा था, तो फिर मैंने इससे कहा कि मैंने वीडियो बनानी है, मुझे सिखाओ कैसे करते हैं। तो फिर इस बेचारे ने, लाइट नहीं थी, लाइट ना होने के बावजूद इसने अपने ज़ोर से मुझे सिखाया और किया। और ये भी इसकी बहन जो है वो निकाल के दे रही थी कि चलो आप ही को करके दिखाओ। माशाल्लाह से इनके घर में ट्विन बेबीज़ भी हुए हुए थे, तो मैंने कहा आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। तो एक जो ट्विन बेबी है वो ऊपर बेड पे लेटा हुआ था, और दूसरा जो चरपाई के नीचे झूला नहीं बनाते, झूला नहीं जो बनाते उस पे था वो। और ये भी एक बेबी है, लेकिन जो ट्विन बेबी है वो इधर है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। तो ये वो दूसरा ट्विन बेबी, और दोनों, एक जो है वो जागा हुआ था और एक सोया हुआ था, लेकिन है ये दोनों जुड़वा हैं माशाल्लाह से। इन्होंने अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ था। अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये इनकी सारी परफ्यूम्स, पाउडर्स, मस्कारा वगैरह, मेकअप यानी कि, उसके बाद ज्वेलरी और सारा कुछ इन्होंने देखे कितने अच्छे तरीके से सेट किया हुआ है। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। और यही कमरा, जो भी कमरा था ना, वहाँ पर इन्होंने अपने जो बर्तन थे वो ऊपर शेल्फ पर सेट किए हुए थे। किसको बांधा है? ये चला रहे थे। क्यों आपको बांधा है?
अच्छा उधर है। अच्छा मुझे छत की समझ नहीं आ रही है किस चीज की बनाई हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जब बारिश होती है पानी नीचे नहीं आता, इसे ऊपर मिट्टी भी डाली है। अच्छा ठीक है। तो ये लकड़ियों में बनाना मुझे भी बड़ा शौक है, अभी मैं इनके घर आई हूँ, मैंने खाना बनाया लकड़ियों पे, पास्ता बनाया मैंने। अच्छा हाँ, हम सिलेंडर में बनाते हैं, जब सिलेंडर खत्म है एक दो तीन बनाते हैं। ये बहुत अच्छा है सेटअप है, मुझे मिट्टी की चीजें बहुत पसंद है। ये मिट्टी का बनाया जी, ये मेरे दादा ने बनाया, ये मुझे बहुत पसंद है। वो भी अभी मेरी कज़न इनको मेरे चैनल का नाम लिख के दे रही थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा, और गाँव का भी एक पार्ट बस रह गया है, और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। इनके साथ मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, अल्लाह पाक इन्हें बहुत खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।